हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज है गाइस इस बॉक्स में डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम और डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इस बॉक्स की सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन सी लगी गई और सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो चल गए तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते हैं, देखते बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें मिलती है और कैसी कैसी चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये तो है एक टोस्टेड ब्रेड इरेजर सेट। अरे वाह, ब्रेड लुक में दोस्तों हमें इरेजर मिल जाते हैं। चलो दिखाता हूं आपको इरेजर, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये इरेजर कैसा लगा ब्रेड वाला। तो एक ब्रेड को निकाल लिया तो ये देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। ब्रेड लुक में ये इरेजर है, क्वालिटी तो वाकई में काफी जबरदस्त है। टोटल गाइस हमें चार इरेजर मिलती है इस पाउच के अंदर। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। नेक्स्ट मिलती है इसके अंदर दोस्तों हमें मछली वाले हाइलाइटर सेट दोस्तों, और ऐसे हाइलाइटर आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। तो चलो फटाफट निकाल दो पैकेट से और दिखाता हूं दोस्तों आपको मछली वाले हाइलाइटर, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मछली वाले हाइलाइटर कैसे लगे दोस्तों। तो निकाल लेते हैं दोस्तों एक हाइलाइटर को, तो ये देख सकते हो हाइलाइटर निकाल लिया और ये मछली की क्वालिटी देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, यानी हाइलाइटर की। तो ढक्कन ओपन करता हूं, दिखाता हूं दोस्तों हाइलाइटर और इसकी टिप कैसी है ये भी दिखाता हूं। तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसकी टिप कितनी जबरदस्त है। चलाते ही हाइलाइटर को देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है, कितना अमेजिंग चल रहा है दोस्तों। तो ये मछली वाला हाइलाइटर सेट आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें टोटल मिलते हैं हमें छह कलर की मछलियां दोस्तों, यानी छह हाइलाइटर मिलते हैं। चलो साइड रख के और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या चीज मिलती है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक स्ट्रॉ दोस्तों। ये स्ट्रॉ नहीं है, ये है स्ट्रॉ लुक में एक पैन। वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो यहां देख सकते हो स्ट्रॉ के ढक्कन को इस तरह खींचेंगे तो ये इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं काफी सुंदर और काफी पतली टिप वाला पैन दोस्तों। चलाते तो ये देख सकते हो काफी अच्छा चल रहा है, ब्लैक पैन मिलता है दोस्तों इसके अंदर और काफी अच्छा भी चल रहा है ये स्ट्रॉ वाला पैन। तो आपको ये स्ट्रॉ वाला पैन कैसा चल लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलते हैं और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक स्वान दोस्तों। ये स्वान नहीं है, ये है एक काफी सुंदर चीज। वो क्या चलो निकालता हूँ पन्नी से, फिर दिखाता हूँ आपको इसके अंदर दोस्तों हमें क्या मिलता है। तो पन्नी से निकाल लेते हैं स्वान को। तो ये देखो दोस्तों पन्नी से निकाल लिया और इस स्वान में मिलता हमें एक पेंसिल शार्पनर। वो कैसे तो यहाँ देख सकते हो नीचे हमें एक होल मिलता है और ये होल नहीं है दोस्तों, ये है शार्पनर का होल दोस्तों। तो ये देख सकते हो इसके अंदर मिलता हमें शार्पनर, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों शार्पनर मिल जाता है, स्वान वाला शार्पनर है दोस्तों। चलो साइड रखते और दोस्तों देखते इस बॉक्स में क्या चीज मिलती है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक कैरेट। ये देख सकते हो ये ऑरेंज वाला कैरेट मिलता है इसके अंदर और इसके टिप को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। पेन मिलता है, पेंसिल मिलती है। तो इसके टिप को ऊपर दबाते हैं, दबाया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर से निकल रही है पेंसिल। ये देख सकते हो ये मैकेनिकल पेंसिल है कैरेट वाली दोस्तों। तो आपको कैरेट वाली मैकेनिकल पेंसिल कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये तो है एक स्पेस यूनिवर्स का स्केल यानी रूलर दोस्तों। चलो फटाफट निकालता हूं रूलर और दिखाता हूं आपको रूलर, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रूलर कैसा लगा। तो निकाल लेते हैं बॉक्स से अच्छे से सेट को पूरे से। तो निकाल लिया तो ये देखो दोस्तों इसका रूलर कितना जबरदस्त रूलर है, कितना अमेजिंग है। और इस रूलर के अंदर तो दोस्तों ग्लिटर भरा है और काफी सारे सीक्वेंस भरे हैं जो काफी गुड लुकिंग बना रहा है इस स्केल को दोस्तों, यानी इस रूलर को दोस्तों। और ये रूलर है 15 सेंटीमीटर का, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें रूलर मिल गया इस बॉक्स के अंदर। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक किचन इरेजर सेट और ये देखो दोस्तों हमें किचन से रिलेटेड सारी इरेजर मिलेगी इस बॉक्स के अंदर। चलो आपको दिखाता हूं वन बाय वन इरेजर, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको सारी इरेजर में सबसे अच्छी इरेजर कौन सी लगी दोस्तों। तो इसे निकाल लिया दोस्तों हमने बॉक्स से। टोटल गाइस इसके अंदर मिलती है हमें 1 2 3 4 5 6 7 इरेजर मिलते हैं। तो वन बाय वन आपको इरेजर दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों ये वाली इरेजर, ये ग्लास लुक में दोस्तों इरेजर मिल जाता है, काफी सुंदर लग रहा है, काफी प्यारा, यानी इसके अंदर दोस्तों हमें पहले इरेजर तो ग्लास वाला मिला। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलती है एक मिक्सी दोस्तों, ये देख सकते हो मसाले पीसने वाली मिक्सी मिल जाती है। मिक्सी नहीं है दोस्तों, ये है एक मिक्सी वाली इरेजर, देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी पिटी लग रही है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक फ्रिज, ये देख सकते हो। और ये फ्रिज नहीं है दोस्तों, ये है
है फ्रीज वाला इरेजर। तो इसका ढक्कन ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन किया तो अंदर से फ्रीज देख सकते हो, कितना जबरदस्त है फ्रीज वाला इरेजर मिल गया इसके अंदर। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक कैटल, ये देख सकते हो, और ये कैटल नहीं है, ये भी है एक इरेजर, ये भी काफी सुंदर इरेजर है, काफी प्यारी इरेजर है दोस्तों कैटल लुक में। दोस्तों और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक गैस चूल्हा, ये देख सकते हो गैस मिलती है, और ये गैस नहीं है दोस्तों, ये है एक काफी सुंदर सी इरेजर, चूल्हे लुक में दोस्तों इरेजर मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर दोस्तों हमें फ्राई पैन मिल जाता है जिसके अंदर दोस्तों ऑमलेट बन रहा है, और ये दोस्तों ऑमलेट भी है पूरी इरेजर, ये देख सकते हो फ्राई पैन भी इरेजर है, और इसके साथ दोस्तों हमें दो चॉपस्टिक मिल जाती है, और दोनों चॉपस्टिक दोस्तों इरेजर है, देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें एक चीज और मिलती है, और ये क्या है दोस्तों, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये शायद जहां तक मुझे लग रहा है ये लंच बॉक्स मिलता है इसके अंदर, और लंच बॉक्स भी है पूरा इरेजर। तो आपको ये किचन इरेजर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, इसके अंदर मिलता हमें डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स, और ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी सुंदर है, काफी प्यारी है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है। यहाँ देख सकते हो एक लॉक है, इस लॉक को ओपन किया तो यहाँ एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, और एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन चार चार पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, और एक और सेक्शन मिल जाता है इसके अंदर। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, तो पीछे वाला ढक्कन देखो दोस्तों किस तरह ओपन होगा। तो पीछे वाला ढक्कन देख सकते हो काफी अच्छे तरह से ओपन होता है, और इस कंपार्टमेंट में भी दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इसके खुलने का तरीका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों, काफी स्टाइलिश तरीके से ये ज्योमेट्री बॉक्स ओपन होती है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें दो छोटे छोटे और लॉक मिलते हैं, दोनों लॉक को ओपन करते हैं तो यहाँ देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है इसमें, और इसमें भी दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, और काफी सारा हमारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इसके अंदर छोटा से छोटा सा दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक मैनुअल स्टेशनरी सेट दोस्तों, और ये है 5-in-1 वो भी यूनिकॉर्न का। तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें मिलेगी, तो 1 by 1 आपको दिखाता हूँ। ये गाइस 5-in-1 सेट, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये 5-in-1 सेट कैसा लगा। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं हमें काफी सुंदर काफी प्यारी सी एक पेपर कट सीजर, और ये पेपर कट सीजर नहीं है, ये तो है मेटल वाली सीजर, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों सीजर मिल जाता है इसके अंदर। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक स्टेपलर, ये देख सकते हो एक स्टेपलर मिल जाता है। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर दोस्तों हमें एक पिन की डिब्बी मिल जाती है, ये देख सकते हो स्टेपलर पिन मिल जाते हैं दोस्तों काफी सारे, और टोटल इसके अंदर दोस्तों हमें 500 पीसेज मिलेंगे पिन के। चलो दिखा भी देता हूँ आपको इसके अंदर कैसे पिन है। तो ये देखो दोस्तों छोटे छोटे से पिन है इसके अंदर, तो निकालता हूँ तो ये देखो दोस्तों छोटी छोटी सी पिन मिल जाती है। और दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है, तो इसके अंदर दोस्तों हमें एक यूनिकॉर्न की टेप मिल जाती है, और ये है यूनिकॉर्न का एक टेप कटर, देख सकते हो, और इसमें गाइस हम अपने टेप को लगा लेंगे, फिर हम टेप कटर से हम अपनी टेप कट कर सकते हैं। काफी अच्छा सेट है, 5-in-1 सेट है दोस्तों। तो आपको यूनिकॉर्न का 5-in-1 सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये कौन सी ज्योमेट्री बॉक्स है चलो देखते हैं। तो ये है एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दो लॉक मिलते हैं, चलो दोनों लॉक ओपन करते देखते इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ऊपर वाले लॉक को ओपन किया तो ढक्कन ओपन हो गया, ढक्कन ओपन होते एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन मिलता है, और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाएगा, एक छोटा सा सेक्शन है जिसके अंदर गाइस हमें मार्कर मिल जाता है, और इसके अंदर मार्कर मिला यानी व्हाइट बोर्ड भी जरूर मिलेगा इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते देखते हैं कितना स्पेस है। तो पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहां देख सकते हो कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स में, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। यहां देख सकते हो दो दो लॉक है दोस्तों, दोनों लॉक को दबाते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या मिलता है चलो देखते हैं। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक व्हाइट बोर्ड मिला, और एक साइड दोस्तों हमें मिलता है टाइम टेबल शेड्यूल का पूरा चार्ट दोस्तों, देख सकते हो काफी जबरदस्त यार काफी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है। बीच में दोस्तों हमें काफी अच्छी चीज मिल गई, व्हाइट बोर्ड भी मिल गया, और हमें टाइम टेबल शेड्यूल का पूरा चार्ट भी मिल गया ज्योमेट्री बॉक्स में, यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें इसके अंदर क्या मिलता है, तो इसके अंदर मिलता है हमें सी एनिमल का एक बॉक्स दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त बॉक्स है, और इसमें गाइस एक हैंडल मिल जाता है जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं। चलो देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या चीज मिलती है और कितनी आइटम मिलती है और कैसी चीजें मिलती है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं, निकालते हैं 1 by 1 चीज। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या क्या चीजें मिली यार इसके अंदर, इसके अंदर तो काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है मुझे तो। तो सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता सी एनिमल का एक पेंसिल पाउच, ये काफी बड़ा पेंसिल पाउच है, काफी जबरदस्त है। यहाँ देख सकते हो गाइस फ्रंट में एक पॉकेट मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस
यहाँ देख सकते हो, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और ये देखो दोस्तों पूरा बिखरा हुआ है, और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं हमें क्रेयॉन्स कलर, ये देख सकते हो क्रेयॉन्स कलर मिल जाते हैं। टोटल गाइस हमें 12 सेट्स के मिलेंगे। और क्रेयॉन्स कलर के साइज की बात करते हैं तो साइज देख सकते हो इनके कितने जबरदस्त है, ये देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों क्रेयॉन्स कलर मिल जाते हैं, साइज भी काफी अच्छा है। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है, तो इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं स्केच मार्कर, ये देख सकते हो। और कितने स्केच मार्कर मिलते हैं, तो टोटल गाइस इसके अंदर हमें 6 स्केच मार्कर मिलते हैं। स्केच मार्कर कैसे हैं चलो चलाते हैं, तो ये देख सकते हो साइज तो काफी अच्छा है। ढक्कन ओपन करते हैं तो इसकी टिप देख सकते हो काफी अच्छी है, काफी मोटी और काफी अच्छा भी चल रहा है, काफी फास्ट चल रहा है दोस्तों ये स्केच पेन। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है 15 सेंटीमीटर का रूलर, ये देख सकते हो 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर गाइस हमें मिलता है कलर पेंसिल, 12 शेड्स की कलर पेंसिल मिलती है। चलो देखते हैं कलर पेंसिल कैसी है और इनके साइज कैसे हैं कलर पेंसिल के, तो एक दो पेंसिल को निकाल लेते हैं, यानी कलर पेंसिल को निकाल लिया, देख सकते हो इनकी क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छा है इन पेंसिल का, देख सकते हो वुडन गोल्ड पेंसिल मिल जाती है, यानी कलर पेंसिल है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलती है एक गाइस सी एनिमल की छोटी सी बहुत ही प्यारी सी डायरी, ये देख सकते हो डायरी मिल जाती है। और इसमें गाइस हम अपने कुछ भी अपना रफ वर्क कर सकते हैं। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दो दो हमें पेंसिल मिलती है वुडन, ये देख सकते हो गोल्ड वुडन पेंसिल मिल जाती है। साइज की बात करते हैं साइज काफी अच्छा है इन गोल्ड वुडन पेंसिल का दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक गाइस शार्पनर, ये देख सकते हो शार्पनर मिल जाता है। और इसके अंदर क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें इरेजर मिल जाती है, ये देख सकते हो ये तो काफी जबरदस्त बॉक्स है, ये तो स्टेशनरी बॉक्स है। और इस स्टेशनरी बॉक्स में हम कुछ और भी सामान रख सकते हैं, काफी बड़ा बॉक्स है दोस्तों, सी एनिमल का दोस्तों बॉक्स है दोस्तों, काफी अच्छा चल साइड रखते हैं। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलती है डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी प्यारी है काफी सुंदर है। यहाँ देख सकते हो पुश लिखा है, पुश के बटन को दबाया तो ढक्कन ओपन हो गया, ढक्कन ओपन होते यहाँ देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक देखने को मिल जाते हैं, पांच पांच पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। और ये तो है ट्रे, ट्रे को हटाते तो नीचे एक कंपार्टमेंट और मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। और यहाँ देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ये क्या है दोस्तों, ये लॉक दोनों लॉक ऊपर किया तो ये तो है एक बुक स्टैंड, और वाह यार ये तो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, बुक स्टैंड भी मिल गई दोस्तों हमें इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, यार ये तो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारे डोरा ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों चल साइड रखते हैं। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक हेलो किटी की बस दोस्तों, ये देख सकते हो बस मिली, और ये बस नहीं है ये ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों बस वाली। चलो देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ये भी देखते हैं। तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते हैं ये कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, ऊपर एक छोटा सेक्शन है, बीच में गाइस हमें काफी बड़ा सेक्शन मिल जाता है, इसे बंद करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं, नीचे एक कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी काफी प्यारी होगी। और नीचे देख सकते हो दोस्तों हमें व्हील मिल जाते हैं जिससे गाइस हम अपना टाइम पास कर सकते हैं, हेलो किटी की बस है दोस्तों, चलो साइड रखते हैं। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है देखते हैं, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिली, ये क्या है दोस्तों, एक प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे तो दोस्तों हमें व्हाइट बोर्ड मिलेगा यार, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, यहाँ देख सकते हो लॉक है, लॉक को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है, तो इसके अंदर दोस्तों हमें स्टेशनरी आइटम मिलती है, जैसे क्या क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें प्रिंसेस की तो सबसे पहले पेंसिल मिल जाती है, गोल्ड वुडन पेंसिल है दोस्तों, साइज काफी अच्छा, पेंसिल के ऊपर दोस्तों प्रिंसेस की फोटो छपी है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें प्रिंसेस की एक इरेजर मिल जाती है और एक मिलता है शार्पनर, ये देख सकते हो। और क्या मिलता है इसके अंदर दोस्तों, हमें मिलता है प्रिंसेस का एक रूलर, ये देख सकते हो 15 सेंटीमीटर का रूलर भी मिल जाता है, एक मार्कर मिला है, मार्कर से दोस्तों हम व्हाइट बोर्ड पर अपना वर्क कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, पीछे गाइस हमें व्हाइट बोर्ड मिल जाता है काफी सुंदर सा दोस्तों, चल साइड रखते हैं। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं BTS की ज्योमेट्री बॉक्स, और ये ज्योमेट्री बॉक्स तो मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है यार, और यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें दो दो होल मिलते हैं, और दोस्तों होल नहीं है ये है पेन स्टैंड देख सकते हो, और यहाँ दोस्तों बटन मिलता है, बटन को दबाते फ्लिप ओपन हो जाता है, यहाँ देख सकते हो शार्पनर मिलता है, एक छोटा शार्पनर मिलता है, काफी बड़ा शार्पनर मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है, तो ढक्कन ओपन किया, एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें दो सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन चार
पांच पांच पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है। ढक्कन बंद करते पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते देखते कितना स्पेस है, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में हमें टेबल देखने को मिल जाती है। काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, बीटीएस की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलते हैं। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली, डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में तो दोस्तों हमें पासवर्ड मिलता है, विदाउट पासवर्ड तो कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स को खोल ही नहीं सकता। तो पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है 258। तो पहले 2 को सेट कर लेते हैं, फिर 5 को सेट कर लेते हैं, फिर 8 को भी सेट कर लेते हैं दोस्तों। तो 8 को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, तो 8 को भी हमने सेट कर लिया। तो चलो ढक्कन ओपन करते हैं। उससे पहले देख सकते हो फ्रंट में दोस्तों हमें दो बटन मिलते हैं, एक बटन दबाते हैं तो देखते हैं, पहले बटन को दबाया तो शार्पनर ऊपर आ गया और यहाँ देखो दोस्तों नेविगेशन भी मिल जाता है। सेकंड बटन को दबाते हैं तो सेकंड बटन को दबाते ही साइड में से एक कंटेनर बाहर आता है जिसमें गाइस हम अपनी रेजर कुछ भी चीज रख सकते हैं दोस्तों। तो चलो अब ढक्कन ओपन करते हैं तो यहाँ देख सकते हो दो लॉक मिलते हैं, तो ऊपर वाले लॉक को दबाऊंगा तो ऊपर वाला ढक्कन ओपन होगा ये देख सकते हो, और नीचे वाले लॉक को दबाऊंगा तो नीचे वाला ढक्कन ओपन होगा। और यहाँ देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, इसमें दोस्तों हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है दोस्तों। काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। चलो नीचे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, तो नीचे वाले ढक्कन को ओपन करने के लिए नीचे वाला बटन दबाएंगे फिर ढक्कन ओपन हो जाएगा। गहराई देख सकते हो कितनी जबरदस्त है इस ज्योमेट्री बॉक्स में, और यहाँ देख सकते हो टेबल देखने को मिल जाती है ज्योमेट्री बॉक्स में, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का ये पिगी बैंक, अरे वाह। और इस पिगी बैंक में तो दोस्तों हमें लॉक मिल जाता है, यहाँ देख सकते हो होल मिलता है, इसमें गाइस हम मनी को डालेंगे। तो पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड को 00 पहले मैंने सेट कर रखा था, इसके बटन को दबाएंगे फिर इसका लॉक ओपन हो जाएगा। उससे पहले देख सकते हो इसमें हमें हैंडल मिल जाता है जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं इस पिगी बैंक को। ऊपर गाइस हमें थर्माकोल बॉल्स मिल जाते हैं जो काफी गुड लुकिंग बना रहा है इस गाइस पिगी बैंक को। चलो ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है, लॉक को दबाया तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते देख सकते हो अंदर का स्पेस कितना बड़ा है और काफी सारा गाइस हमारा मनी आ जाएगा इस पिगी बैंक के अंदर। आपको ये यूनिकॉर्न का पिगी बैंक कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स, और ये ज्योमेट्री बॉक्स काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं देखते कितना स्पेस है, ढक्कन ओपन किया तो ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों क्या हुआ, बीच में हमें क्या मिला, बीच में ओपन करते ये देख सकते हो हमें काफी बड़ा एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, यहाँ देख सकते हो गाइस हमें नंबर मिल जाते हैं, और यहाँ देखो दोस्तों हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं बीच में। ये तो काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ऊपर वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, तो ऊपर वाला ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में 2 सेक्शन है और एक सेक्शन में हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है ये देख सकते हो, काफी जबरदस्त है। मार्कर मिल गया गाइस, मार्कर से गाइस हम अपना व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो नीचे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं देखते कितना स्पेस है, तो नीचे वाले ढक्कन को ओपन किया तो देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगी ज्योमेट्री बॉक्स में। छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, मुझे बहुत ही प्यारी लगी, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक पेंसिल शार्पनर, और ये है ट्रक वाला पेंसिल शार्पनर दोस्तों, देख सकते हो कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग निकालता हूं बॉक्स से, दिखाता हूं दोस्तों आपको पेंसिल शार्पनर। तो ये देख सकते हो लुक कितना खतरनाक है इसका, कितना अमेजिंग है दोस्तों, ये देख सकते हो ट्रक लुक में दोस्तों शार्पनर, और जंबो शार्पनर है यार ये तो। और देखते हैं गाइस ये पेंसिल को कैसे शार्प करती है, तो पहले पेंसिल को लेके आते हैं फिर पेंसिल को डालेंगे, कहां डालेंगे वो सब आगे देखेंगे दोस्तों। तो फटाफट पहले मैं पेंसिल ले आता हूं, तो ये देख सकते हो मैं पेंसिल ले आया हूं और ये है टूटी पेंसिल दोस्तों। तो इसे कहां डालेंगे, तो इसे यहां डालेंगे दोस्तों, तो ये अभी नहीं जा रहा है अंदर, तो क्या करेंगे, तो ऊपर दोस्तों एक बटन मिलता है, इस बटन को इस तरह स्लाइड करेंगे फिर ये पूरी पेंसिल इसके अंदर घुस जाएगी, और थोड़ा सा हम शार्पनर को इस तरह खोल लेंगे दोस्तों और फिर इसके बटन को दबाएंगे फिर पेंसिल को अच्छे से डाल लेंगे और ये धीरे धीरे अंदर जाने लगेगी। जब हम इस हैंडल को घुमाएंगे फिर ये पूरा बोनेट अंदर चला जाएगा, यानी हमारी पेंसिल शार्प हो जाएगी। तो आपको दिखाता हूं भी हूं तो कैसे शार्प करती है, तो इसे घुमा रहा हूं ये देखो दोस्तों मशीन को घुमा रहा है, ये देख सकते हो धीरे धीरे अंदर जा रहा है, शार्प करेंगे अच्छे से और देखना दोस्तों हमारी पेंसिल को कितने अच्छे से शार्प कर दिया इसने, देख सकते हो और कितने फास्ट और कितनी जल्दी शार्प कर दिया, देख सकते हो कितने अच्छे से शार्प किया। और सारा कूड़ा कहां गया, तो सारा कूड़ा गाइस नीचे एक बोनेट मिलता है और इस बोनेट में हमारा सारा कूड़ा आ गया दोस्तों, देख सकते हो काफी सारा कूड़ा आ जाता है, देख सकते हो काफी जबरदस्त है और काफी फास्ट भी हमारे पेंसिल को शार्प कर दिया इस ट्रक शार्पनर ने दोस्तों। तो आपको ये ट्रक वाला शार्पनर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स
बॉक्स में हमें क्या मिलता है। इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं काफी सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स, और इसके पीछे देखो दोस्तों हमें कितना बड़ा व्हाइट बोर्ड मिल जाता है। इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड तो दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता है। तो यहाँ देख सकते हो बटन को दबाया तो ये कंपार्टमेंट बाहर, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें मार्कर देखने को मिल जाता है, और यानी मार्कर मिला है तो व्हाइट बोर्ड पर हम अपना कुछ भी वर्क कर सकते हैं। तो बंद करते हैं, मेन ढक्कन को ओपन करते हैं। मेन ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो गाइस हमें एक स्टिकर मिल जाता है जिसपे गाइस पूरा हम क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं। यहाँ एक कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है और काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो गाइस एक ढक्कन है, ये ढक्कन को खोलेंगे और ये बन जाएगा दोस्तों एक बुक स्टैंड। ये देख सकते हो बुक स्टैंड बन जाएगा। यहाँ देख सकते हो हमें दो लॉक मिलते हैं, ये देख सकते हो इन दोनों लॉक को खोल लेंगे फिर काफी इजीली से हम अपनी बुक को रख के स्टडी कर सकते हैं। बुक स्टैंड मिल जाता है इसके अंदर, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। बुक स्टैंड वाली ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है, जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया खाली। आज इस बॉक्स में तो दोस्तों हमें एक से बढ़कर एक स्टेशनरी आइटम मिली। मुझे तो सच बताऊं इसमें जो मछली वाले हाइलाइटर मिले मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, और किचन वाले इरेजर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। आपको क्या अच्छे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।